नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं नेट JRF जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र। यह पुनर्परीक्षा अगस्त में संपन्न हुई थी। और दोस्तों आपको सूचना दे दें, यदि आप इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो 2019, 2018, 2017 तक का वीडियो तैयार है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पैटरनास्टर झील की आकृति है हिम नदी द्रोणी। तो अगला क्वेश्चन है, समतल शीर्ष वाले समुद्री टीलों को कहा जाता है गाय ऑट। समतल शीर्ष वाले समुद्री टीलों को कहा जाता है गाय ऑट। अगला है सही सुमेलित कीजिए, एक तरफ दिया है निक्षेप, एक तरफ दिया है प्रक्रिया। तो इसमें आपका हो जाएगा एक मिनट होल्ड। तो इसमें आपका हो जाएगा लोइस का हो जाएगा वायव्य, लोइस का हो जाएगा वायव्य, हिमोड़ का हो जाएगा हिम नदी, बजरी का हो जाएगा समुद्री, गाद का हो जाएगा नदी। आगे देखते हैं, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल का प्रतिपादन किया गया था पेंक द्वारा। अगला है, वर्तमान विगत की कुंजी है नहीं कि वर्तमान भविष्य की कुंजी है, यह कथन जेम्स हटन का है। अगला है, विभिन्न क्षेत्रों में 21 तथा 22 सितंबर के बीच दिवालोक की अवधि के बारे में सही कथन है। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश में दिवालोक की अवधि कम हो जाती है। अगला है, वी जॉर्किंसन का मॉडल जुड़ा है मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की उत्पत्ति से। अगला, यदि आप कर्क रेखा पर खड़े हैं तो 20 मार्च के दोपहर में क्षितिज के ऊपर सूर्य का कोण होगा वो 66.5 डिग्री। अगला है, ऊष्मा के रूप में हिम विकिरण महसूस करते हैं और रक्त। अगला है, अभिकथन ए, स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर गति का प्रतिरोध करता है तथा अस्थिर वायु का अपने उत्प्लावन के कारण स्वतंत्र रूप से आरोहण होता है। कारण दिया है, जब स्थिर वायु को ऊपर बलपूर्वक भेजा जाता है बनने वाले बादल चारों ओर फैल जाते हैं तथा उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई बहुत कम होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, नियोजन के दौरान संभवतः इसके परिणाम स्वरूप सुस्थितिक समुद्री जल स्तर में आई गिरावट फलित प्रतीत होता है। तो उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिक हिमाच्छादन में वृद्धि। आगे है, लवण जिसकी समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड की समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा होती है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी, तो इसकी अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी थी। अगला है मिलानकोविच चक्र संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण में परिवर्तन जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो जाता है। अगला है, फ्रीजिंग चट्टाने लैगून बैरियर चट्टाने तथा एटोल्स में से मूंगे की चट्टान का रूप नहीं है, तो उत्तर जगह लैगून। अगला है, सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी बर्नहार्ड वरेनियस ने। अगला है, क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी पर लिखी पुस्तक अल्मागेस्ट के लेखक हैं टॉलमी। वह स्कूल ऑफ थॉट जिसने पहली बार संभाव्यतावाद की अवधारणा
विकसित की थी, फ्रेंच। अगला सुमेलित करना है, एक तरफ दिया है भूगोलवेत्ता, एक तरफ दिया है देश। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है जर्मनी के थे, एलन चर्चेस सैमपोल ये संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, पीटर हैगेट ये यूके के थे, जिन्स बर्नेस ये फ्रांस के थे। अगला है, जनसंख्या के क्लस्टरों और बस्तियों के बीच में स्थान छोड़ने के क्रम की खोज से संबंधित है, केंद्रीय स्थान। अगला है, क्रमबद्ध सिस्टमैटिक भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्र में तथा क्षेत्रीय भूगोल को विशिष्ट अध्ययन के बजाय जेनेरिक हेतु अनुसंधान के क्षेत्र में आवश्यक रूप से अग्रसर होना चाहिए, यह कथन है डब्ल्यू एल गैरिसन का। अगला है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात है 919। अगला है, दमन व दीव, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में से भारत 2011 की जनगणना अभिलेखों के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व संघ राज्य क्षेत्र में पाया गया था, दमन व दीव में। अगले, क्रमशः 40,000 और 5,000 की जनसंख्या वाले दो शहर एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ब्रेकिंग पॉइंट छोटे शहर से होगा 4.9 किलोमीटर पर। अगला, फसल विविधीकरण का अध्ययन करने के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण सही है, क्षेत्रीय। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर खाड़ी अथवा सागर स्थित है, फारस की खाड़ी। अगला है, पद द्रुमकालानुक्रमण प्रयोग किया जाता है वार्षिक रूप से पेड़ों के वलयों की वृद्धि का अध्ययन। अगला, दूरी पणे का प्रकार, धरातल का प्रकार तथा फार्म का आकार में से दूरदृश्य का परिवहन लागत में विचलन का कारण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फार्म का आकार। अगला, वह सिद्धांत सूचकांक जिसका उपयोग इस स्तर का माप करके वे दो प्रकार से एक दूसरे से क्रिया प्रकार किस प्रकार जुड़े हैं, नेटवर्क में असंधियों की अभिगम्यता का मूल्यांकन किया जाता है, ग्राफ सिद्धांत। अगला, राजनीतिक भूगोल में हार्टलैंड के सिद्धांत का प्रस्ताव किया था मैकेंडर ने। अगला, भारतीय भाषा जो चीनी तिब्बती परिवार की है, मणिपुरी। अगला है, अर्धसंघी सरकार है भारत। अगला, सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है सांस्कृतिक क्षेत्र कल्चरल रेल्म की। अगला है, सेमिटो हेमेटिक भाषा परिवार की भाषा हिब्रू। अगला है, रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर अवधारणा दी गई थी कोहन द्वारा। अगला है, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन ग्रंथ की रचना की है ए लॉस द्वारा। अगला है, केंद्रीय स्थानों के पश्चिमों में हिंटरलैंड को निरूपित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है लोगों की पसंद। अगला है, केंद्रीय स्थानों की केंद्रीयता बढ़ाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है केंद्रीय कार्य को मजबूत करना। अगला है, चक्री बहाव की धारा में विकास स्वतः एवं अंशतः परिवर्तन है। संतुलन का विक्षोभ जो पहले से मौजूद संतुलन को नष्ट तथा विस्थापित करती है, यह कथन ए सुमपीटर का है। अगला है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरों की प्रतिशतता न्यूनतम है, बिहार में 61.8%। अगला है, अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है झारखंड और उड़ीसा में। अगला है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है सर्वाधिक केरल में 1,084। अगला है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है मालवा का पठार। अगला है, भारत में अगस्त में होने वाली वर्षा में विविधता आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है जोधपुर। अगला है, रेखा संकेतक का प्रयोग करने वाले SOI टोपोसीट का प्रतिनिधित्व करता है कंटूर। अगला है, क्रमशः संबंध सूचकांक अनुपयुक्त हो जाता है यदि किसी एक सेट की सभी यूनिट का क्रम एक समान हो। कारण है, किसी डाटा सेट का स्पीयरमैन सहसंबंध सूचकांक समान क्रमों के लिए एक्स तथा वाई चरों के वास्ते संवेदनशील नहीं हो पाता,
तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला सुमेलित करना है, एक तरफ दिया उपग्रह, एक तरफ दिया देश। तो APOT स्पॉट यह फ्रांस का है, GOES यह USA का है, Meteor 3 यह रूस का है, इनसेट यह भारत का है। अगला है, किसी बिंब का अंकीय मान होगा जब उसका विकिरणीय विभेदन 6 बिट होगा, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 64। अगला है, भू सर्वेक्षण प्रेक्षण के संबंध में सही है, यह थल सत्य जांच वैश्विक स्थिति प्रणाली है। दोस्तों जुलाई 2016 तृतीय प्रश्न, उस समय 3 प्रश्न पत्र होते थे और यह पुनर्परीक्षा अगस्त में संपन्न हुई थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था इसमें तृतीय प्रश्न पत्र में। तो तृतीय प्रश्न पत्र में आपका आया था, पहला पेडिमेंट निर्माण के पार्श्विक समतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गिलबर्ट ने। अगला है, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश ब्यौरा ब्यौरा से जुड़ा है, सिनोजोइक महाकल्प। अगला है, निम्नतम तल अपरदन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था पावल द्वारा। अगला है, अभिकथन दिया था, बर्फ का संचलन वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता और हिमनदीय बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। आर है, बर्फ की कमतर गहराई और घाटी की दीवारों और नीचे तल के साथ घर्षण के कारण किनारों का वेग कम होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, प्रशांत महासागर अंतःस्थल में ज्वालामुखी उद्गार निसरित प्रकार के होते हैं। तर्क है, कम चिपचिपा पर लावा का शांत रूप में उद्गार होता है। तो इसमें हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है, गुटेनबर्ग अंतराल पाया जाता है मेंटल और कोर के बीच। अगला है, पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतल की भूमिका पर बल दिया जाता है, तो ब्लैक वेल्डर जॉनसन और पेज, यानी कि पेडिमेंट के निर्माण में सरिता द्वारा पार्श्व समतल की भूमिका पर बल दिया है ब्लैक वेल्डर जॉनसन और पेज द्वारा। हाँ, एक तरफ यह कंदरा निर्माण के सिद्धांत, एक तरफ यह विद्वान। तो द्विचक्री सिद्धांत डेविस, द्विचक्री सिद्धांत डेविस का है, भौम जल स्तर सिद्धांत स्वीन रटन का है, स्थिर जल क्षेत्र सिद्धांत गार्डनर का है, इवेंजन थ्योरी मिलॉट का है। रात के दौरान पर्वतीय ढलानों से बहने वाला ठंडा एवं घना अधोमुखी पवन जाना जाता है अवरोही पर्वत पवन, काटाबेटिक। तापक्रम माप का शून्य बिंदु उस तापक्रम को दर्शाता है जिस पर यह माना जाता है कि आणविक गति रुक गई है, केल्विन। मेघ के पथ कोण से उष्ण वाताग्र की दूरी के आधार पर मेघों के प्रकार का सही क्रम है वर्षा स्थली, मध्य स्थली, पक्षाभ स्थली, सीरस। अगला है, अभिकथन दिया है, जब हवा बहुत शुष्क रहती है वाष्पीकरण द्वारा ताप ह्रास में वृद्धि होती है। कथन तर्क है, गर्म और शुष्क हवा किसी गर्म और आर्द्र हवा की अपेक्षा अधिक उष्ण और अधिक कष्टदायक महसूस होती है। तो इसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर गर्म होता है क्योंकि इसमें उपस्थित अणु सूर्य से विकिरण होने वाली उच्च ऊर्जा लघु तरंग धैर्यों को अवशोषित कर लेता है। अगला, वायुदाब क्षैतिज विचरण के बारे में सही है, शीत वायु सहती। अगला है, सहती शीतोष्ण आर्द्र वायु सहती की तुलना में सर्वाधिक पृष्ठीय दबाव उत्पन्न करेगी, शीतोष्ण शुष्क वायु सहती शीतोष्ण आर्द्र वायु सहती की तुलना में उच्चतर दबाव प्रदर्शित करेगी। शीतोष्ण आर्द्र वायु सहती का समान शीतोष्ण शुष्क वायु सहती की तुलना में कम वायु दबाव होगा। अगला है, सूचित दिया है, सूचित हो गया है, मृदु वर्षीला का हो जाएगा ठोस रूप में अवक्षेपण के रूप में सफ़ेद रंग के हिम कण होते हैं तथा यह प्रकाश के लिए अपारदर्शी हैं। अगला, हिम पट्टिका, जब हिमांक से नीचे संघनन होता है तो हिम के पारदर्शी कण
कण निर्मित होते हैं। तुहिन या किसी वस्तु के साथ सहमति पर अतिसीतित जल की बूंदों की क्षिप्र हिमीकरण द्वारा लघु श्वेत दानेदार हिमकणों का अपारदर्शी विलेपन है। अगला हिम टूल, इसका निर्माण तब होता है जब तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अगला, भारत में क्लीन वाटर एक्ट पुनर्स्थापित किया गया था वर्ष 1974 में। अगला है रोजर्स और पनवार 1988 के अनुसार भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बटा है 10। सबसे चौड़े महाद्वीपीय अपघटन सेल्वस विश्व के भाग से संबंध है साइबेरिया। सूर्य का ज्वार उत्पादन मल है चंद्रमा की तुलना में लगभग आधा। जैव ऑक्सीजन मांग एवं रासायनिक ऑक्सीकरण मांग के मध्य हमेशा अनुपात होना चाहिए 1 से कम। अभिकथन ने फोटोसंश्लेषण की प्रक्रिया महासागरीय जल में 200 मीटर के अंदर तक सीमित होती है। 200 मीटर से अधिक गहराई में कोई कार्बन उपलब्ध नहीं होता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। सभी भौगोलिक प्रगति में प्रभावशील धारण भौमिक एकता उपयुक्त कथन है विडाल डेला ब्लास का। जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट के विकास में सही क्रम है पेस्टल लिटजेल हिटनर ट्रॉल। अगला है दार्शनिक दृष्टिकोण और एक तरफ दिया लेखक, तो साइकिल ऑफ इरोजन के लेखक हैं डेविस, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं ऑस्कर पेस्चल, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म के लेखक हैं फ्रेडरिच रेटजल। अगला है दार्शनिक दृष्टिकोण दिया समर्थक दिया है, तो इसमें हो जाएगा आदर्शवादी हेरिस एंड गुलके, परिघटनात्मक का रॉल्फ हो जाएगा, मूल मूलजाभासी बुंगे, कल्याणकारी स्मिथ। अगला है कविकथन दिया मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का मुख्य जोर भूगोल में सिद्धांत बनाने आदर्श तैयार करने और सैद्धांतिकरण पर है। तर्क दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेत्ताओं ने साहित्य की भाषा के स्थान पर गणितीय भाषा का प्रयोग करते हुए भूगोल के अनुभविक विवरणात्मक और गजेटियर प्रकार के साथ असंगति दिखाई है, तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला भूगोल में नोमोथेटिक दृष्टिकोण जोर देता है अनुभाविक अध्ययन पर। अगला है डार्विन के सामाजिक दृष्टिकोण का विरोध किया था तथा सहयोगकारिता और समाजशीलता के गुणों के पक्ष में वकालत की थी क्रोपोटिकन ने। अगला, पहली बार पृथ्वी की परिधि की माप की थी एरिस्टोस्थनीज ने। सुमेलित करना है सूची एक सूची दो प्रशासनिक इकाइयाँ 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जिला 640, तहसील 5767, शहर 497, राज्य 28। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के पुनर्गठन के पश्चात राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात और राज्य, तो 991 छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है, 996 तमिलनाडु का लिंगानुपात है, 1084 केरल का है, 993 आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है। सूची एक सूची दो वर्जिस के अनुसार क्षेत्र विवरण, तो आवासीय क्षेत्र 4, संक्रांतिक क्षेत्र 2, वेतनभोगी लोगों के आवास क्षेत्र 3, CBD 1। अगला, शहरीकरण इस शताब्दी की परिभाषित करने वाला घटना है और विकासशील देशों पर इस परिवर्तन का मुख्य जोर है। अधिकांशतः विकासशील देशों में महानगरों के तीव्र विकास की वजह से पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या का रुख शहरों की ओर हुआ है, तो ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है वह शहर प्रकार जो अस्थायी बस्ती है जिसमें बिल्कुल आसपास बने काफ़ी घनत्व वाले भवन होते हैं जिसके पास कोई क्रम या योजना नहीं होता है उसे कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल नगर।
आगे है, यदि किसी क्षेत्र में सभी शहरी बस्तियों की जनसंख्या के घटते क्रम में रैंकिंग की जाए तो एंथ कस्बे की जनसंख्या सबसे बड़े कस्बे की जनसंख्या का 1/n होगा, क्या होगा? जी के जिप ने भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है अम्बाला की, सूची एक सूची दो, एक तरफ दिया देश एक तरफ दिया लव उत्पादक, तो ब्राज़ील लव उत्पादक देश है का क्षेत्र है मिनास गेराइस, फ्रांस का लॉरेन है, जर्मनी का साइजरलैंड घाटी है, यूएसए का मेसाबी श्रृंखला है। अगला है अभिकथन, ए दिया वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से बाजार के निकटता में स्थानीकृत होते हैं, आर दिया है कपास विशुद्ध कच्चा माल है, तो ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है डरविंट विटिलसी द्वारा मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ पेपर लिखा गया था वर्ष 1936 में। अगला वह जो तब अधिकतम लाभ वाला उत्पादन को व्याख्यायित करता है जब किसी संयंत्र की सीमांत लागत के साथ सीमांत राजस्व का अनुपात आर अनुपात सी हो, तो एक 1.0 के बराबर। लैटिन अमेरिका के बारे में विधि मान्य साधारणीकरण है, लैटिन अमेरिका विविध मानव प्रजातियों संस्कृतियों का क्षेत्र है। अगला है ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड डिवाइडेड ग्रंथ के लेखक हैं साल बर्नार्ड कोहेन। अगला है द्रविड़ भाषा परिवार का है ब्राह्मी कन्नड़ मलयालम। अगला भूगोल के अभिप्राय और उद्देश्य के मूलभूत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था परिमाणन। भारत में प्रादेशिक जल सीमाओं को सही निरूपित करता है 200 मील। अगला है रिजले के बाद भारत की मानव प्रजाति सूची एक सूची दो मुख्य राज्य भारतीय आर्य का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। द्रविड़ का हो जाएगा तमिलनाडु, मंगोल कल्प का हो जाएगा सिक्किम, मंगोल द्रविड़ का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ग्रंथ दिया है लेखक दिया है, तो ग्रंथ में जाएगा नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक हैं आर हार्टसोन, द अर्बन क्वालिटी के लेखक हैं एम कैलसन, सोशल जस्टिस एंड सिटी के लेखक हैं डी हार्वे, मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण के लेखक हैं पी हगेट। क्षेत्र दिया है एक तरफ दिया मुख्य धार्मिक समूह, तो क्षेत्र में है अमृतसर सिख, लद्दाख बौद्ध, मालदीव मुसलमान, नागालैंड ईसाई। नगर विकास के 3 चरणों अर्थात पूर्व औद्योगिक चरण, औद्योगिक चरण और महानगरीय चरण को परिभाषित किया है ई लैम्पर्ड ने। सतत विकास की संकल्पना का संकेत मिलता है, सतत विकास की संकल्पना का संकेत मिलता है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का अवसर देना, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए सभी को अवसर देना, स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद करना, अंत वर्गीकरण इक्विटी को प्रोत्साहित करना। अगला आर्थिक विकास बहुउद्देशीय परियोजनाएं नगरों औद्योगिक केंद्रों आदि का केंद्र जो अपने उत्पादन आवेग को अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित करता है, इस मुहावरे पर ध्यान देकर मध्य क्षेत्रों का वर्णन किया पी सेन गुप्ता ने। अगला है अभिकथन, केंद्रीय परिधि मॉडल में केंद्रीय क्षेत्र हावी रहता है जबकि परिधि आश्रित रहता है, तर्क यह निर्भरता मुख्य रूप से विनिमय के संबंध और केंद्र तथा परिधि के बीच उत्पादन से संरचित है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एक तरफ दिया विकास केंद्रों का पदानुक्रम, एक तरफ दिया स्तर, तो विकास ध्रुव राष्ट्रीय, सेवा केंद्र स्थानीय, विकास केंद्र क्षेत्रीय, विकास बिंदु उप क्षेत्रीय, एक तरफ दिया मॉडल, एक तरफ दिया प्रतिपादक। आर्थिक बुद्धि से अगस्टस लास, कृषि स्थापन वान थ्यूनन, कृषि प्रणाली विटेलसी, आर्थिक विकास केंद्र डब्ल्यू रोस्टाव। भारत में सबसे बड़ी पोत निर्माण इकाई है कोचिन पोत प्रांगण। किसान कॉल सेंटरों की स्थापना काफ़ी हद तक कृषि दक्षता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी वर्ष 2004 में। पर्वत श्रेणी जो पमीर का पठार से उद्गमित होती है हिंदुकुश तियान शान तथा कुनलुन। अगला है छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल कन्नर मिट्टी गहराई के संदर्भ में मानी जाती है गहरी। अगला है दोमट मृदा दिया है, अगला दिया राज्य
तो दोमट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी रेगुर महाराष्ट्र, मरुस्थली मिट्टी राजस्थान, लाल मिट्टी मेघालय। अगला है नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। दिया कृष्णा की सहायक नदियाँ भीमा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिस्ता है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, यमुना की सहायक नदी चंबल है। अगला है GIS अनुप्रयोग आवश्यकताएं, GIS सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसमें हो जाएगा आंकड़ा स्वचालन, झूले डेंगलर्स, आंकड़ा रूपांतरण TIGER, रास्टर आंकड़ा प्रारूप TIFF, प्रक्षेप प्रणाली UTM। अगला है सैटेलाइट सेंसर की रेजोल्यूशन विशेषता, तो माप की तरफ दिया है 30 मीटर का स्थानिक हो जाएगा, 20 दिनों का अंतराल टेम्पोरेल हो जाएगा, नीला हरा लाल बैंड स्पेक्ट्रल हो जाएगा, 256 लेवल विकिरण मितिक हो जाएगा। अगला किसी समोच्च रेखीय मानचित्र से 30 में एक प्रवणता की परिकलन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ढाल के समतुल्य है 2 डिग्री। यह अंतर जानने के लिए किस खेत में गेहूं की बुआई बाद में हुई थी और किस में पहले, दिसंबर के महीने में वायव फोटो ली जाती है, इसके लिए छायाचित्र निर्वाचन सर्वाधिक उपयोगी होगा, रंगत। अगला अभिकथन दिया है प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से लिए गए इकाइयों की संख्या का समान होना आवश्यक नहीं है, जब जनसंख्या के प्रत्येक स्तर से समान जनसंख्या में प्रतिदर्श इकाई ली जाती है तो उसे असमानुपातिक स्तरित प्रतिदर्श लेना कहा जाता है। तो इसमें ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन दिया निरूपक भिन्न के रूप में व्यक्ति मानचित्र का स्केल सार और भौमिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। तर्क दिया है RF निरूपक भिन्न में माप की इकाई का कोई उल्लेख नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला है समोच्च रेखा से ढाल मानचित्र के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्क इन्फो मॉडल कहलाता है ARC-10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड। धन्यवाद।